स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज बात करेंगे कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका के यूटर्न की। अमेरिका के बदले तेवर से भारत हैरान है। अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लोम का पीओके दौरा और इसको लेकर पाकिस्तान में यूएस एम्बेसी के एक ट्वीट ने भारत तक हलचल मचा दी है। ट्वीट में पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को आजाद कश्मीर कहकर संबोधित किया गया। दरअसल अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लोम ने 3 अक्टूबर को पीओके का दौरा किया था। आपको बता दें कि डोनाल्ड ब्लोम की यात्रा को लेकर यूएस असेंबली और साथ ही साथ इस्लामाबाद की ओर से ट्वीट किया गया था जिसमें पीओके को आजाद कश्मीर बताया गया। बताया भी जा रहा है कि पहली बार है कि जब अमेरिका ने पीओके को आजाद कश्मीर कहा है। भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने पीओके को आजाद कश्मीर कहने पर ट्वीट करते हुए प्रतिक्रिया दी है। वहीं पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने कहा है कि हमारे लिए सोचने की बात है कि अमेरिका राजदूत के पीओके को आजाद कश्मीर उसने क्यों कहा है, और जबकि कश्मीर मामले में हमेशा अमेरिका बीच की स्थिति में रहा है और हमेशा भारत अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहकर कश्मीर के दोनों इलाकों को संबोधित करता आया है। अब्दुल बासित ने कहा है कि हो सकता है कि वैश्विक स्तर पर हो रहे बदलावों को देखते हुए अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान के साथ मसले हल होने चाहिए, जिसके बाद ये सुपर पावर बन रहे चीन को बेहतर तरह से काउंटर कर सके। खास बात यह है कि पिछले कुछ दिनों की घटनाओं पर अगर नजर डाले तो ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियां नजर आई हैं। हाल ही में अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट फ्लीट में रखरखाव के लिए $450 मिलियन की मदद की गई थी। भारत ने जब इस पर आपत्ति जताई तो अमेरिका ने कहा था कि इस मदद में कोई नया हथियार या ताकत शामिल नहीं है। हालांकि पाकिस्तान से बढ़ते रिश्ते के बीच अमेरिका भारत के साथ भी संबंध ठीक बनाए रखने की कोशिश करते हुए दो नाव पर सवार होने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से हाल ही में अमेरिका ने कहा था कि उसने पाकिस्तान को $450 मिलियन इसीलिए नहीं दिए थे कि भारत को रूस से दोस्ती पर कोई देश दिया जाए। गौर करने वाली बात यह भी है कि जब से पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार आई है तब से अमेरिका की दोस्ती पाकिस्तान से ज्यादा मजबूत हो रही है। इससे पहले पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार थी और इमरान खान ने कई बार अपनी सरकार गिराने के पीछे अमेरिका की साजिश बताई है। जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों अमेरिकी राष्ट्रपतियों के शासन में अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों में इतनी मजबूती नहीं आई जितनी कि पिछले कुछ समय में देखने को मिल रही है। साथ ही आपको बता दें कि अमेरिका पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियां भारत के लिए चिंता पैदा कर रही है। साथ ही पाकिस्तान अमेरिका के हथियार खरीदता है और ऐसे में पाकिस्तान जैसे देशों के साथ हथियारों का काम बढ़ाना ही अमेरिका की पुरानी नीति रही है। भारत अक्सर पाकिस्तान के आतंकवाद प्रेम का मुद्दा वैश्विक संगठनों के सामने उठाता हुआ आया है। खास बात यह है कि अमेरिका भी इस बात को जानता है कि पाकिस्तान अक्सर आतंकियों को पनाह देने वालों में शामिल रहा है। इसके बावजूद F-16 डील के बाद अमेरिका ने साफ कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एशिया में पाकिस्तान उसका बड़ा सहयोगी है। हालांकि अमेरिका इस बात को अच्छे से जानता है कि एशिया में चीन जैसे बड़े देश को काउंटर करने के लिए उसे भारत की हमेशा जरूरत रहेगी। इसी वजह से अमेरिका अपने पाकिस्तान से मजबूत हो रहे संबंधों के बारे में लगातार सफाई भी पेश कर रहा है, लेकिन इतना तो तय है कि हाल के दिनों में अमेरिका की दो तरफा नीति भारत के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। पहली बार अमेरिका ने कश्मीर नीति पर यूटर्न लेते हुए पीओके को आजाद कश्मीर कहा है, जो भारत के लिए किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि जिस तरह से पूरा विषय सामने आया है, जाहिर तौर पर ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर बाइडेन
का क्या है गेम प्लान, ये भी जानने की आज हम कोशिश करेंगे। आखिर क्यों इस तरह का ट्वीट अमेरिका के राजदूत की तरफ से किया गया, इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ जितेंद्र ओझा जी हैं, पूर्व राजनयिक हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल गोपाल सिंह, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी सर बहुत स्वागत है। जितेंद्र ओझा साहब, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। सर, अमेरिका की तरफ से जिस तरह से अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लोम का पीओके दौरा हुआ और उसके बाद इसको लेकर जो ट्वीट उनका सामने आया है, उसने साफ तौर पे जाहिर कर दिया है कि कश्मीर में, कश्मीर का जो पार्ट अमेरिका के पास है जिसे पीओके कहा जाता है, अब उसको अमेरिका आजाद कश्मीर कह के संबोधित कर रहा है। इसके क्या मायने निकाले, क्या बताना चाहता है, क्या समझाना चाहता है अमेरिका? देखिए, ये बातें क्यों होती है, इसकी सही जानकारी कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकती। हमें एसेस करना पड़ता है कि क्या हो सकता है और इसका प्रोग्नोसिस क्या हो सकता है, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। हाल के कुछ दिनों में अमेरिका बहुत क्लैरिटी के साथ पाकिस्तान से वो दोबारा कल्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है। क्यों कोशिश कर रहा है हम इसको नहीं कह सकते। दूसरी बात मैं मानता हूं कि देखिए, 2001 के आतंक जो 9/11 का अटैक था, तब तक तो अमेरिका की नीति यही थी, वो हमेशा ऐसे ही कहा करते थे और भारत में जो आतंकवादी थे कश्मीर में उनको फ्रीडम फाइटर कहा करते थे। तो ये अमेरिका की बड़ी पुरानी नीति है और इसके कई एक वजह है। एक मैं कहता हूं कि अमेरिका में लॉबिंग का बहुत अधिक महत्व है, उनकी फॉरेन पॉलिसी या खास करके नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कई दफे लॉबिंग से प्रभावित होती है, तो हमें इस पे देखने की जरूरत है। दूसरा, अमेरिकन इंटेलिजेंस और पाकिस्तानी ISI के बहुत पुराने संबंध है। आप जो कह रही हैं कि पाकिस्तान जो है प्रेशर देता है, ये पूरी दुनिया को मालूम है, लेकिन उसके बावजूद जो है उसको अमेरिका के या वेस्ट के जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट थी उसको वो पनाह देते रहे, ये जानने के बावजूद कि 1993 के मुंबई अटैक में इन लोगों का हाथ रहा, उनके हालात उसमें से बदले हैं। तो देखिए, इसका एक बहुत ही साफ मैसेज हमारे पास आ रहा है कि ठीक है, अमेरिका से बहुत सारे मुद्दे पे हमें साथ चलना है, अमेरिका की डेमोक्रेसी का हम बहुत सम्मान करते हैं, अमेरिका के पास बहुत जबरदस्त इंस्टीट्यूशन है, लेकिन जहां तक हमारी नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो उस पर हम अकेले हैं और एक बड़े देश के रूप में, चाहे चीन से खतरा आए, चाहे पाकिस्तान से आए। आपको पता नहीं होगा नेहा जी, जब हम लोग 1980 और 90 के दशक में यूनिवर्सिटीज में थे और खासकर किस मुद्दों पर चर्चा होती थी, तो हम लोग उसमें पाक, US और चाइना एक्सिस की बात किया करते थे। तो ये किसी जमाने में रियलिटी रही है कि इस एरिया की सिक्योरिटी पे का सबसे अधिक असर हम पे पड़ता है और किसी को अगर शेप करना है तो भारत को शेप करना है। जी ठीक है, गोपाल जी से समझते हैं। गोपाल जी, अमेरिकी राजदूत ने पीओके को आजाद कश्मीर आखिर क्यों कहा, आपके क्या सोच है इस पूरे विषय पर? देखिए नमस्कार, मेरा वीडियो नहीं काम कर रहा है, मैं वॉइस पे बात करूंगा। जी जी, देखिए आज जो भारत उभरता देश है और विश्व के अंदर भारत की प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, चाहे इकोनॉमिक फ्रंट पे लीजिए, चाहे पॉलिटिकल फ्रंट पे लीजिए, कूटनीतिक फ्रंट पे लीजिए, मिलिट्री फ्रंट पे लीजिए, या यानी आत्मनिर्भर भारत बनने पर लीजिए। आपने सुना होगा जब पार्लियामेंट के अंदर आर्टिकल 370 और 35A के ऊपर होम मिनिस्टर भाषण दे रहे थे, तो किसी ने जब चर्चा की जम्मू एंड कश्मीर की, तो उन्होंने कहा कि पीओके का, जब हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो पीओके भी भारत का अंग है, ये समझना चाहिए। अभी इसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन को देखते हुए आप देखिए कि चीन की जो रोड है अक्साई चीन और पीओके से निकल करके जाती है। आप देखिए धीरे धीरे अभी बात चारों तरफ से आ रही है और एक दिन आने वाला है कि जल्द से जल्द पीओके हमारा होगा। था पहले, लेकिन क्योंकि ये ऑक्यूपाई कर लिया गया 1947 में, तो उस समय से सिचुएशन काफी, आज देखिए पीओके के अंदर जिस प्रकार से राजनीतिक मामले चल रहे हैं कि पूरे जो लोग आवाम जो है आर्मी के खिलाफ बोल रही है कि आर्मी पाकिस्तान की आर्मी वापस जाओ, हमें आजाद होना है, भारत के साथ में जुड़ना है, क्योंकि वहां खाने के लिए है नहीं, ये कटोरा लेकर के भीख मांगते फिर रहे हैं चारों तरफ पाकिस्तान के लोग। तो कहने का तात्पर्य है कि सिचुएशन काफी गंभीर है और जो इन्होंने ये कहा है आजाद कहने का, इसका मतलब ये कि भारत क्या आगे कदम लेने वाला है,
उसका रिएक्शन देखने के लिए यह बात कर रहा है। आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब भी भारत को यानी सदस्यता की बात हुई, उस वक्त भी चाइना और ये जो है वीटो लगा करके उसको नहीं होने दिया। अब आज इंटरनेशनल सिचुएशन को देखिए, जहाँ पर यूक्रेन के अंदर युद्ध हो रहा है, इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री ने फोन पर नहीं, जो अभी समर्थन में जो बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। और कल उन्होंने जेलेंस्की से भी बात की है, उसमें भी उनको समझाया है, और हो सकता है कि अभी आगे आने वाले समय में इसके ऊपर कोई ना कोई परिणाम आएगा। यहाँ पर एक बात छोटी सी छोड़ करके भारत के अंदर खलबली मचाना, ये अमेरिका की बात रही है, पॉलिसी रही है, कई बार ऐसी बातें पहले भी हो चुकी हैं। आप देखिए कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा है, जब उन्होंने हमारे प्रतिबंध लगाने की यानी उन्होंने ऑयल लाने के लिए बात करी है, रशिया से आप लेकर के आ रहे हो, तो अभी हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है, हम ये क्या करना चाहते हैं आगे, ये बाकी लोग भी पहचान रहे हैं, अमेरिका भी पहचान रहा है, तो इसलिए बात को उकसा करके और आगे बढ़ाने की कॉल करना, ये आज की नहीं, बहुत पहले से अमेरिका की बात रही है। ठीक है, आप देखिए कि एक और मैं बात करूंगी, आज देखिए जो ज्यादा से ज्यादा हथियार खरीदने की कोशिश करते थे अमेरिका से, अभी सारे हम इंडिजिशनली बनाने की कोशिश में है, यहाँ तक कि तेजस विमान आप शिप ले लीजिए, मिसाइल ले लीजिए, गन ले लीजिए, क्या क्या नहीं यहाँ बना रहे हैं, और ये एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे नुकसान अमेरिका को होगा। तो ये बहुत सी चीजें एक बात नहीं है, ये तमाम यानी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर के ये बात कही गई है, और इसके ऊपर हमारे जितने पर भी विशेषज्ञ हैं वो सब इसके ऊपर मनन कर रहे हैं, देख रहे हैं आगे क्या होगा। ठीक है, ठीक है, गोपाल जी बने रहे हमारे साथ। जितेंद्र जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर भी है कि ये वाकई जो दिखाया जा रहा है वैसा रियलिटी है, असलियत वैसा ही है कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच जो नजदीकियां हैं वो बढ़ रही है, यह सिर्फ और सिर्फ भारत को दिखाने के लिए सिर्फ एक दिखावा रचा जा रहा है, ये दिखावा है, ढोंग है कि देखिए हमारी नजदीकियां बढ़ रही है, क्योंकि इसके तो और भी कई मायने निकाले जा रहे हैं, ये भी एक संदेश देने की कोशिश की जा रही होगी कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से कि देखिए आप रूस की तरफ ज्यादा झुकाव देंगे तो हम भी आपके दुश्मन की तरफ ज्यादा झुकाव देंगे, तो इस तरह का भी कुछ संदेश देने की कोशिश की जा रही है क्या जितेंद्र जी? थोड़ा बहुत तो इससे हम इंकार नहीं कर सकते कि अमेरिका का हमेशा से मानना है कि किसी भी देश की अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, और वो जो कहते हैं उन्हीं को दूसरे देशों को कहना चाहिए। एक बहुत बड़े राष्ट्राध्यक्ष से मेरी काफी साल पहले बातचीत हो रही थी, प्योरली व्यक्तिगत कैपेसिटी में, और कुछ अमेरिका के हिस्से हमने बातचीत किया, वो बहुत नेल्सन मंडेला के जैसा स्टेटस उनका नहीं था, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट शख्स थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, और उन्होंने कहा कि देखिए अमेरिका से मित्रता का मतलब यह है कि अमेरिका चाहता है कि दूसरे दुनिया के तमाम देश अपना आत्म सम्मान छोड़ दें और वो वही कहें जो अमेरिका करना चाहता है, और कई दफे अमेरिका की स्ट्रेटेजिक असेसमेंट गलत होती है, वो चाहते हैं कि हमारी गलत असेसमेंट का खामियाजा आप भुगतें। तो आप देखिए अफगानिस्तान पे भी देखिए कि अमेरिका ने साफ देखा कि पाकिस्तान उनके साथ मिला रहा, पाकिस्तान अमेरिकन इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की भी मदद करता रहा और तालिबान के साथ मिलकर अमेरिका पे अटैक भी करवाता रहा। एक मुद्दा जो हमें बहुत ध्यान से सोचने की जरूरत है वो है कि अमेरिकन सिस्टम रिरोड कर रहे हैं कई तक कहीं कई जगह, उनके भीतर विरोधाभास हो गया है। अमेरिका के डीओडी के लोगों से मेरी बातचीत चल रही थी एक साल पहले, और उन्होंने कहा कि देखिए जितने सैटेलाइट इमेजरी के जरिए ये जो ड्रग की कल्टीवेशन हो रही है, क्या अमेरिका के ही लोगों को पता नहीं चल पाया कि इतने बड़े ड्रग का कल्टीवेशन चल रहा है? आज नेटो की रिपोर्ट आई है कि देखिए अमेरिका पाकिस्तानी आईएसआई और तालिबान मिलकर ड्रग ट्रेड कर रहे हैं। ये बात अमेरिका के डीओडी के लोगों को भी, जनरल को भी मालूम है, क्योंकि उनके बहुत सारे लोगों की हत्या हुई है। तो देखिए एक अफ्रीका के सिस्टम में जो कॉन्ट्रडिक्शन है कि उनके नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में स्टेट डिपार्टमेंट का कुछ और व्यू होना, पेंटागन का कोई और व्यू होना, CIA का कुछ और व्यू होना, ये व्यूज हो सकता है इसका डायरेक्ट खामियाजा अमेरिका को नहीं भुगतना पड़े तो उसका खामियाजा अमेरिका के मित्रों को भुगतना पड़ सकता है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा और भारत को इस बात को बहुत मजबूती से ले जाने की जरूरत है। इसी बात मैं कहता हूँ जियोपॉलिटिक्स से थोड़ा सा मुझे समय दें, मेरे बहुत से सारे छात्र भी सुनना चाहते हैं कभी कभी मेरी बातें, तो उसके लिए मैं निवेदन करूंगा। जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा मकसद क्या होता है कि आप अपने तमाम रिसोर्सेज को इंक्लूडिंग सोल्जर्स इंक्लूडिंग एलाइज उनको इस तरीके से ट्रीट करें जैसे वो जलाने वाली लकड़ी हो, अगर आग लगती है तो बिना किसी इमोशन के बिना किसी सेंटिमेंट के उनको फौरन आप जला दें। तो अमेरिका का मकसद क्या है कि चीन को कंटेन करने के लिए भारत की आवश्यकता है,
भारत के डेमोक्रेटिक मॉडल की तो बात करते हैं, लेकिन भारत में डेमोक्रेसी बढ़ जाए, भारत एक बहुत सशक्त देश बन जाए, ये अमेरिका की मंशा कभी हो ही नहीं सकती है। ये बातें हम ओपनली नहीं कह सकते हैं, स्टेटमेंट नहीं कह सकते हैं, वरना ये डिप्लोमेसी के प्रिंसिपल के खिलाफ होगा। लेकिन इस बात को हमें हमेशा ध्यान में रखना होगा कि अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बातों के लिए हम जिम्मेदार हैं। जरूरत पड़ती है तो बड़े कठोरता से कहना पड़ेगा। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे जो वर्तमान ईएम है एक प्रोफेशनल डिप्लोमेट रहे हैं और वो बहुत कठोरता से जब जरूरत पड़ती है बातें कहते हैं। और मेरे ख्याल से ये फ्रैंक डिस्कशन जो है भारत और अमेरिका के बीच में बिहाइंड क्लोज डोर्स जरूर होना है और अमेरिका के लोगों को बताना है कि जो आप कर रहे हैं उसका खामियाजा सिर्फ भारत को नहीं, आपको भी बहुत लॉन्ग टर्म में देखना पड़ेगा। क्योंकि आप चाइना को देखिए कि चाइना आपके बैकयार्ड में जाके आपको चेकमेट करने की कोशिश कर रहा है और आपके इंस्टीट्यूशन डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस बात को एक पॉइंट से ज्यादा दूर नहीं देना है, लेकिन भारत का रिस्पॉन्स जरूर आएगा, मजबूत रिस्पॉन्स आएगा। गोपाल जी, आपसे समझना चाहूंगी सर, अमेरिका की ओर से हाल ही में अभी पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट फ्लीट के रखरखाव के लिए $450 मिलियन की मदद दी गई थी। भारत ने इस पर हालांकि आपत्ति जताई तो अमेरिका ने कहा था कि इस मदद में कोई नया हथियार या फिर ताकत शामिल नहीं है। ये अमेरिका की तरफ से इससे पहले भी ऐसे किया गया, अब आजाद कश्मीर के नाम से उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश की गई पीओके को, ये सब चीजें क्या बता रही है, क्या चाहता है अमेरिका? और सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या ये मुमकिन है कि अगर आपको चीन को दबाना है तो आप बिना भारत की मदद से ये मुमकिन कर पाएंगे क्या? ये अमेरिका जानता है बखूबी, समझता है बखूबी, क्या सिर्फ एक दबाव बनाने की कोशिश है क्या भारत पर? आपकी बात, पहले तो मैं जितेंद्र जी की बात से बहुत सहमत हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। और जो आप कह रही हैं ये बात भी सही है कि अमेरिका पाकिस्तान को बहुत पहले से सपोर्ट करता रहा है हर क्षेत्र में, पैसा दिलाने में और उनको हथियार भेजने में और उनको उनकी रखरखाव के लिए। ये $400 मिलियन सिर्फ बहाने के लिए, मेरा मानना है कि बहाने के लिए दिए जा रहे हैं कि भाई हम इनका मेंटेनेंस करेंगे, अदरवाइज सपोर्ट है कि भैया तुम्हारा कटोरा खाली है, तुम थोड़ा सा अपना खाना पीना ठीक रखो। तो ये दूसरी बात ये कि चाइना के लिए देखिए, पीओके हमारा है और आज नहीं तो कल जैसे ही पीओके हमारे पास में आएगा तो चाइना के अंदर चाइना वैसे ही दहशत खा के बैठा हुआ है कि यदि पीओके यानी भारत के पास जाता है कि भारत ले लेता है तो उस वक्त इनकी जो रोड है, जो कम्युनिकेशन है मिडिल ईस्ट के लिए, वो सारा खत्म हो जाएगा। वो हमारे यानी बलबूते को होगा कि हम उसको जाने दें या ना जाने दें, वो आगे बहुत बड़ी बात बनेगी। सेम जो है अक्साई चिन का, जो इन्होंने अक्साई चिन है और दूसरा सक्षम वैली जो 5,100 किलोमीटर करीब जगह इन्होंने ले रखी है स्क्वायर किलोमीटर, वो भी हमारे हाथ में कब्जे में आएगी क्योंकि ये पाकिस्तान ने उनको दिया था। इसलिए चाइना, अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर रहा है, दूसरा चाइना तो ऑलरेडी पहले से कर रहा है, चाहे आप न्यूक्लियर में ले लीजिए, चाहे हथियारों में ले लीजिए या पैसे से ले लीजिए, हर तरीके से वो चाइना यानी पाकिस्तान की मदद कर रहा है और उसको इतने डेट में डाल रखा है कि यदि ये 450 मिलियन लिए भी हैं और वो शायद इसका हथियार यानी F-16 को रिपेयर न करने की बजाय हो सकता है लोन का ब्याज चुकता करना पड़े, तो ये स्थिति बड़ी नाजुक है पाकिस्तान के लिए। अभी जनरल कमर जावेद वहां गए हुए हैं और जावेद बाजवा जी गए और उन्होंने जाकर के ऐलान किया है कि दो महीने बाद मैं रिटायर हो रहा हूं। और सेना को भी उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया है कि वो राजनीतिक मामलों में और राजनीतिक से दूर रहें और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। आप समझिए इसके क्या मायने हैं, इसके मायने यही है कि बहुत बुरी स्थिति है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन यदि उस बुरी स्थिति को ये सिर्फ अमेरिका से और चाइना से ही समझना चाहेंगे तो वो नहीं हो सकती। इन्होंने खुद अपने देश के अंदर शांति बहाली करनी पड़ेगी और हमारे देश के अंदर यानी भारतवर्ष के अंदर जम्मू एंड कश्मीर में और पीओके में जो अत्याचार करते हैं, जो इन्होंने टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसको बंद करना पड़ेगा। तो यदि इन्होंने अपने सही तरीके से संभालना है तो इनके ऊपर अमल करने की आवश्यकता है। अभी ये रक्षा मंत्री उनके लॉयड ऑस्टिन ने जो कहा है कि आजादी की मांग, अरे आजादी की मांग तो हमारे आजादी की मांग तो पीओके वाले कर रहे हैं, और आजाद कह करके ये भारत को घुसाना,
ये शायद उनके लिए उचित नहीं है। एप्रोप्रिएट लेवल पर अभी विचार चल रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि शाम तक कोई ना कोई हमारी तरफ से या विदेश मंत्रालय की तरफ से इसके ऊपर जवाब प्रतिक्रिया जरूर आएगी। ठीक है, ठीक है सर। एक छोटा सा सवाल मेरा अब जितेंद्र जी से है, क्योंकि उसके बाद मुझे अपने खास कार्यक्रम को वाइंड अप भी करना है, लेकिन एक छोटा सा सवाल जितेंद्र जी, क्योंकि कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में है, सवाल इस बात को लेकर जब यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा था उस वक्त हम यही कह रहे थे कि देखिए भारत का तो न्यूट्रल स्टैंड है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से भारत किसी भी विषय पर कोई ठोस या कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, इसका भी क्या असर पड़ेगा अमेरिका और भारत के रिश्तों पर? क्या ये उसी का असर कहा जा सकता है क्या जितेंद्र जी, जिस तरह से ये पूरा विषय निकल के सामने आया, या जिस तरह से अब अमेरिका जो है वो आजाद कश्मीर के नाम से पीओके को पुकार रहा है, तो क्या ये उसका भी एक असर कहा जा सकता है? और इसका ये जो बयान आया, ये जो ट्वीट आया, इसका आने वाले वक्त में किस तरह का आप असर देखते हैं दोनों देशों के बीच? देखिए, जो हमारा यूक्रेन पे स्टैंड है वो न्यूट्रलिटी का नहीं है, हमने कभी भी युद्ध को नहीं समर्थन किया, लेकिन हम अमेरिका की पॉलिसीज को आंख बंद करके नहीं कर सकते, हमें इस रीजन में रहना है। एक मजबूत रूस हमारे लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन हम उस तरीके से पुतिन साहब का जो रवैया है कि रूस को भी वो कमजोर कर रहे हैं, देखिए हिंदुस्तानी होने के नाते हमें चिंता होती है, क्योंकि रूस के लोगों के साथ जो हमारी मित्रता है वो मित्रता हमेशा रहनी है, ये चाइना और रूस की मित्रता टेम्पररी है। अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों का मानना है कि भारत को जगह मिलनी चाहिए रूस को भी डेमोक्रेसी की तरफ पुल करने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है नेहा जी कि अमेरिका कभी एक आवाज में बात नहीं करता। मैं तो अमेरिका के बहुत सारी पॉलिसीज को बहुत गहराई से पढ़ने की कोशिश करता हूँ और पढ़ाने की भी कोशिश करता हूँ, हमेशा अमेरिका का एक फ्रैक्चर्ड वॉइस रहता है, वहां की सिविल सोसाइटी दूसरे टेंजेंट पे जाती है, नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट का मैंने कहा लेफ्ट लिबरल लॉबी वहां की है वो किसी और टेंजेंट पे जाती है, तो अमेरिका को बताने की जरूरत है कि देखिए आप एक कोहेसिव अप्रोच रखिए, मजबूत भारत आपके इंटरेस्ट में है। किस आजाद कश्मीर की बात कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान गुलाम है, वहां के प्राइम मिनिस्टर तक की ये काबिलियत नहीं है कि वो अपने ऑफिस को बचा सके, तो किस चीज की बात कर रहे हैं? कम से कम हमारे हिस्से में तो हमेशा चुनाव होता रहा है, हम नहीं कहते कि हमारी डेमोक्रेसी परफेक्ट है, हमारी डेमोक्रेसी में बहुत खामियां हैं, लेकिन उसके बावजूद दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा, आज तक अमेरिका में कोई महिला जो है राष्ट्रपति नहीं बन पाई, तो आप देखें कि कई मामलों में हम पश्चिम से बहुत ज्यादा आगे हैं, और पश्चिम का जो असेसमेंट था कि एक समय के बाद चीन में भी प्रजातंत्र आ जाएगा, तो असेसमेंट गिर चुका है और वो मुंह की खा रहे हैं। तो देखिए इसमें जो है हमें जो सो कॉल्ड ओबीडियंस की बात जो है हमें भूल जानी चाहिए, हमें बहुत ही कठोरता के साथ उन्हें बताने की जरूरत है। और तीसरी बात जो कहता हूं नेहा जी कि आज की जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम नॉन अलाइनमेंट करें या हम किसी के पीछे जाए, हमारे पास अगर हम सर्वाइव करना चाहते हैं तो हमें अपने आप के भीतर की गवर्नेंस और नेशनल सिक्योरिटी कैपेसिटी को भी मजबूत करना होगा और उसी के हिसाब से अपने डिप्लोमेसी को भी चलाना होगा, और हमारी अपनी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, हम इस मुद्दों को अपने नजर से देखना चाहते हैं, न तो हम चीन के नजर से देखेंगे न अमेरिका की नजर से देखेंगे, तो हिस्ट्री के भारत की अपनी एक रणनीति है और उस रणनीति को आगे बढ़ाता है, उसमें मजबूत बनाने की जरूरत है, बिल्कुल और मजबूत बनाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी आपका, कर्नल गोपाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। इसी के साथ फिलहाल मुद्दा में इतना ही, नमस्कार।